रही थी ना कि मैं तेरी टिकटॉक नहीं बनाऊंगा। कल आ जाऊंगा फिर आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इट्स टाइम नाउ। अभी अराउंड कुछ 3 o'clock हो रहे हैं और बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए पीछे आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को ठक ठक की, तो वो तो चलता ही रहता है। बाकी आज है लोहरी, सो आप सभी को फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से हैप्पी लोहरी। और यहाँ पे चिक्की भी बैठी है मेरे पास। हैप्पी लोहरी गाइस। तो अभी हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। लंच में आ जाए रोटी और दाल और पापड़, है ना चिक्की? हाँ जी। जो गाइस मैंने कल ब्राउन कलर किया ना, ये वाला, ये देखो ये अलग है, ये वाला अलग है, ये ब्लैक अलग है। अभी मैं कर रहा था, मतलब देख रहा था, सो मैंने देखा कि ये तो गड़बड़ी हो गई कुछ, बाकी मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ। भाई गाइस, इसके टिकटॉक के चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ। टिकटॉक ही है भाई एक तरीके से, वो नहीं बनाऊंगा ना। तेरी बन रही थी ना कि मैं तेरी टिकटॉक नहीं बनाऊंगा। कल आ जाऊंगा फिर आप। मैं तेरी टिकटॉक तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला। कल आ जाओगे अपनी बनाने? क्यों? आ जाओगे? आ जाऊंगा। आके दिखाना टिकटॉक वाड़ी। नाउ जस्ट यू वेट एंड वॉच ब्रो। टिकटॉक वाड़ी चल निकल यहाँ से। आ जा। रोले रोले रोती रहती है पूरा दिन। आ जा। चल ये ले, करेगी ना? ले ले, फड़ी फड़ी करेगी और मुंह चलाएगी मुझसे। चला मुंह चला, चला 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 चला। तो वाइट टी शर्ट खराब हो जाएगी। मेरी वाइट टी शर्ट है, मेरी ब्लू है। मेरे को कितनी जोर से पड़ी, झटके से मारा तूने। अच्छा है ना, गंदी बॉल है। बगी बगी बगी, दरवाजा लगा के खोल। ले पड़ी चप्पल मारेगी, लकड़ी भी मारेगी। अब तू रुक जा बेशरम इंसान। तो मुंह क्यों चलाती है फिर? मुंह क्यों चलाती है? अब तू पिटेगा। मुंह को दे दे। मुंह क्यों चलाती है चिक्की? ये गलत काम मत कर, बहुत उद्यमी हो रही है तू। क्या है यार तेरी प्रॉब्लम, क्या है मेरे को ये बता। तू इतनी जोर से मेरे को झटके से मारा है तो किसकी गलती लगी मुझे? तो क्यों मुंह चलाती है? मैंने कब मुंह चलाया? अभी चला। टिट फॉर टैट होता है भैया। तुम मेरी फोटो खींचोगे तो मैं भी खींचूंगी, वरना नहीं खींच रही। नहीं, कैमरा बंद कर। काय को करूं? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। काय को करूं? काय को? तू बड़ी सुधरी हुई है। किस खेत की मूली है तू? गाजर के खेत की। कहां जा रहे? कहां जा रहे? अब बात करना कर पे। नहीं अब बात कर। नानी से बात। नानी जो बोलेंगी ना उनसे। नानी चल रही, बाय बाय। फिलहाल तो गाइस इतनी मेरा कलरिंग हो चुकी है इसमें, वॉल पेंटिंग में ब्लू कलर है, फेस का ब्लू कलर है और हेयर्स ब्राउन और ब्लैक हैं। सो अभी मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भी बोला था, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा और अपना वक्त भी है, तो वो भी निपटा के साथ साथ सामान भी लेके फिर शाम को साथ में लोहरी बनाएंगे फैमिली के साथ। गली में भी जलती है लोहरी और पीछे ग्राउंड में भी जलती है लोहरी, तो मज़े करेंगे, इन्जॉय करेंगे, लोहरी के मज़े लेंगे। बाकी चिक्की अभी ट्यूशन जा चुकी है और नानी अभी अपना बैठी हुई है नीचे, सो आप लोगों को नानी से भी मिलवाता हूँ और शायद मम्मी भी आ ही गई हैं तो मम्मी से भी मिलवाता हूँ। चलो नीचे चलते हैं सामान समेट के, पूरा मटेरियल बिखर जाता है ऐसे मेरा, तो मटेरियल उठाते हैं और फिर चलते हैं नीचे। आ गई हैं मम्मी, आ गई हैं। बर्तनों की आवाज़ आ जाए ना तो समझो मम्मी आ गई है। बाकी चलते हैं नीचे। और गाइस इस येलो कलर ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, ये ख़त्म हो चुका है, ये भी लेके आना पड़ेगा मेरे को। इसके अंदर नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है। देखो दिखाता हूँ, दिख रहा होगा अंदर कुछ भी नहीं है, खाली हो गया पूरा। बाकी येलो कलर काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग करने में काम आता है, सो इसको लेके आऊँगा मैं एक दो दिन में। मम्मी अपन अपने घर में लोहरी जलाएं? अरे नहीं जलती है, बाहर जलानी पड़ेगी। हाँ अंदर भी जला सकते हो, अंदर तेप सकते हो, लेकिन कंडे वंडे कौन लाएगा यार? अरे यार सब सब मतलब इतने लोग जला दें, कोरोना में भी जला। एज यू लाइक। मम्मी कह रही है यहाँ मत जलाओ, बाहर जलेगी, बाहर ही जलाना। मैं सोच रहा था कि घर में ही जला लेते हैं आज लोहरी। बॉन फायर तो करती है, बॉन फायर मतलब भी तो लोहरी होता है, फायर करना मतलब भी तो लोहरी होता है। मम्मी मना करिए तो चलो कोई बात नहीं, घर के अंदर नहीं जलाते हैं, बाकी बाहर तो जलेगी, बाहर मत्था टेकने जाएंगे।
मूंगफली और प्रसाद ही है ना लोहड़ी का। ठीक है चलो चलते हैं। तो गाइज मैंने ट्यूशन तो पढ़ा दिए, बाकी ऊपर मंदिर भी है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का, तो वहाँ पे लोहड़ी हो रही है, सो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ, यश भी उधर ही है और जिसको मैं पढ़ाता हूँ वो भी उधर ही है, तो चलते हैं अपन। चलो तो गाइस मंदिर में भजन चल रहे थे, सो मैंने भी तालियां वालियां बजा दी और काफ़ी मज़ा आ रहा था सुनने में भजन को। फिर हम लोगों ने लोरी जलाई, तो गाइस भजन कीर्तन तो हो गए, बाकी हम इसको मैं पढ़ाता हूँ रुद्र को। रुद्र का लो होमवर्क करके आना अपना, और प्रसाद भी मिला है, छोले ब्रेड। अरे कौन सा रास्ता है ब्रो, डर तो नहीं लग रहा ना? तो जल्दी आ, डरता है लिटरली। गाइस हम लोग इतनी तेज साइकिल चला के हैं ना, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। 5 मिनट के अंदर घर पे आ गए हम, बाड़े पे थे, बाड़े से 5 मिनट के अंदर घर पे आ गए। मम्मी यहाँ पे सो रही है और चिक्की ये बैठी है, अभी प्रसाद निकाला है चिक्की ने, यह शेरा। चलो चलते हैं बाहर, लोरी तो जल गई है, बाकी हम लोगों ने तो लोरी पहले ही बना ली, अब मम्मी तो सो ही गई, हम लोगों का वेट करते। और चिक्की किचन क्या बना रहे हो? पूरी पकौड़े। वाह यार, तो गाइस इसने छोटी छोटी पूड़ियां बना दी। मेरी मामी बनाती है, मेरी मामी ना गाइस बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी पूड़ियां बनाती है, इससे भी छोटी है ना। मैंने तो गाइस लोरी की पूजा उधर ही मंदिर में कर ली थी, बाकी चिक्की ने भी गली में कर ली। मम्मी जी तो हमारी सो गई हैं और पापा जी अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटी पे गए हैं और नानी जी भी सो गई, वो लोग भी अपनी पूजा करके सो गए। आप लोग भी सो जाओ, क्यों व्लॉग देख रहे हैं ना वो लोग तो। ओह चलो गाइस अपना डिनर तो रेडी हो चुका है, चिक्की यश और मैं साथ में बैठ के डिनर करते हैं। ठीक है मम्मी को मत बताना मेरी कि पूरी पकौड़ा बनाया। मम्मी को पता है ऑलरेडी। पता है? हाँ पोपट कर देती है ना मेरा। चलो गाइस खाते हैं। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड टुडेस व्लॉग, आप लोगों ने भी लोरी में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए होंगे, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, नहीं हेलो गाइस वेलकम टू माई न्यू व्लॉग।